Hey everyone, welcome back to my channel Smudha's Cuisine. I hope all are doing well. आज मैं आप सबके लिए मूंग स्प्राउट्स की कटलेट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल है, जिसे आप इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं। आप सब भी इस हेल्दी फूड को इंटरेस्टिंग तरीके से जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आप सब मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो पूरी रेसिपी जानने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। मूंग स्प्राउट्स कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मूंग स्प्राउट्स, धनिया का पत्ता और जिंजर गार्लिक का क्लोव्स और ग्रीन चिलीज। सबसे पहले हम एक जार में कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, जिंजर और गार्लिक और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार ऐड करके उसे ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे मूंग स्प्राउट्स और उसे कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के समय हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ही परफेक्टली ग्राइंड हो चुका है, तो इसे हम एक ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट पे। ब्लेंडेड स्प्राउट्स के साथ हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी। अब अच्छी तरीके से इसे कंबाइन कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़े से सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून और रोस्टेड क्यूमिन चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, और उसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। मसालों को अच्छी तरीके से कंबाइन करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे थोड़े से चॉप किए हुए ऑनियंस और 1 कप ओट्स। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला पेस्ट अब बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम इस पेस्ट को हाथ में लेके राउंड बॉल शेप दे देंगे। ये देखिए ऐसे ही बॉल शेप का होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरे हाथ में चपटा कर लेंगे, ताकि कबाब अच्छी तरीके से सिक जाए। अब इस सारी चीजों को अच्छी तरीके से शेप देने के बाद एक प्लेट में हम रख देंगे। नेक्स्ट हम एक पैन को गर्म करने के बाद ऐड करेंगे 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल और सारे कबाब को उसमें रख देंगे। अभी हम इस कटलेट्स को लो टू मीडियम फ्लेम पे सैलो फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम इसे फ्लिप करते रहेंगे, ताकि दोनों साइड से अच्छी तरीके से कुक हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। हमारा कटलेट अब बन के रेडी हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। चलिए अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कटलेट्स को स्टेप बाय स्टेप प्लेस कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटो केचप और मेयोनीज को एज ए डिप लेयर लिया है। आप चाहे तो इसमें चटनी भी यूज कर सकते हैं। कटलेट्स को थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं धनिया के पत्तों के साथ और साइड में ऐड कर लेंगे ओनियन सैलड। हमारा कटलेट अब बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया होगा। तो आप सब भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।